बुद्ध कहते हैं, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके पूरे जीवन की संचित इच्छाएं, उसकी पूरे जीवन की संचित यादें, उसके पूरे जीवन के संस्कार और कर्म ऊर्जा की तरंगों की तरह एक नए गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। ये एक तरह की जंप है, छलांग है। भौतिक विज्ञान या कहें फिजिक्स में इसके लिए एक विशेष शब्द है जिसको क्वांटम लीप कहते हैं, एक शुद्ध ऊर्जा की छलांग जिसमें कोई भौतिक तत्व नहीं होता। बुद्ध एक वैज्ञानिक है, वो पहले क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिक हैं। क्वांटम फिजिक, जिसे क्वांटम मैकेनिज्म भी कहा जाता है, विज्ञान की वह शाखा है जो बहुत छोटे कणों जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अन्य परमाणु के व्यवहार का अध्ययन करती है। आइंस्टाइन ने बुद्ध के 2500 साल बाद उसका अनुसरण किया, लेकिन वे दोनों एक ही भाषा बोलते हैं। बुद्ध अपने समय के अनूठे गुरु हैं जिन्होंने विज्ञान के गहरे रहस्यों को धर्म में प्रकट किया। उनकी भाषा एक क्वांटम फिजिक्स की है। वे अपने समय से 25 सदियां पहले आए थे। जब कोई व्यक्ति मरता है तो शरीर गायब हो जाता है, भौतिक हिस्सा गायब हो जाता है, लेकिन अभौतिक हिस्सा, मन का हिस्सा, एक वाइब्रेशन है। वह वाइब्रेशन रिलीज और प्रसारित होती है। अब जहां भी इस वाइब के लिए उचित गर्भ तैयार होता है, वह वाइब उस गर्भ में प्रवेश कर जाती है। कोई स्वयं नहीं जा रहा है, कोई व्यक्ति नहीं जा रहा है, कुछ भी फिजिकल यानी भौतिक जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ ऊर्जा की एक छलांग है। जोर इस बात पर है कि ये हमारा ईगो यानी अहंकार ही छलांग ले रहा है इस शरीर से दूसरे शरीर में। एक घर रहने लायक नहीं रहा, एक शरीर में रहने संभव नहीं रहा। बुद्ध की भाषा में उन्होंने हमारी इच्छाओं, वासनाओं, जीवन की लालसा को तन्हा बोला। ये इच्छा की अग्नि है, जीवित, जलती हुई। वह इच्छा एक छलांग लेती है और ये छलांग एक शरीर से दूसरे शरीर में जारी रहती है जब तक कि हमारे वासनाओं और इच्छाओं के बीच ध्यान की अग्नि में भस्म नहीं हो जाते। सिर्फ ध्यान ही एक माध्यम है जो तुम्हें आवागमन से मुक्ति देता है। जिस व्यक्ति के जीवन में ध्यान नहीं, वो इस दुष्चक्र में फंसे रहता है। इसलिए ध्यान तुमको अंतिम मुक्ति प्रदान करता है। ध्यान परम आशीर्वाद है। प्रणाम।